रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर ने ली जान। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर अब्दुल हक ने ली एक आदिवासी की जान। हमेशा विवादों में रहते हैं ये डॉक्टर। घर पर ही चलता है पूरा नर्सिंग होम। पुलिस को भी नहीं दी युवक के जहर खाने की सूचना। हमेशा में विवादों में घिरे रहने वाले डॉक्टर अब्दुल हक। रायसेन जिले के गर्दगंज तहसील के देवनगर देहगांव में झोला छाप डॉक्टर अब्दुल हक ने कोरोना साल में शासन के नियमों की उड़ाई धज्जियां। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सरकार भले ही खुद अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आम जनता को किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, इसकी बानगी आपको मध्य प्रदेश के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के गृह क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। यहां पर झोला छाप डॉक्टर के इलाज में आए दिन आम जनता की जान से खिलवाड़ होता रहता है। ताजा मामला देहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाड़िया टोला का है, जहां संदिग्ध हालत में एक आदिवासी किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उचित इलाज के अभाव में किसान ने 24 घंटे के बाद ही दम तोड़ दिया। अब मृतक के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही का इलाज करने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी घटना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। बिना डिग्री वाले ऐसे कई फर्जी डॉक्टर हमेशा स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में पूरे प्रदेश में रोजाना इस तरह आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन सहित किसी का ध्यान नहीं जाता। मृतक के परिजनों ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही उसे देहगांव के संचालित ऐसे ही एक झोला छाप डॉक्टर अब्दुल हक के यहां ले गए। यहां डॉक्टर द्वारा उनको 12 घंटे तक इलाज कर गरीब परिवार से मोटी रकम ली गई और फिर रात में मरीज को घर भेजकर सुबह फिर चेकअप कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद अशिक्षित आदिवासी यह परिवार गांव वापस लौट आए। सुबह मरीज की हालत बिगड़ी, फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। यहां अब बात बिगड़ती देख झोला छाप डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए भोपाल ले जाने की सलाह दे दी, जिसके बाद भोपाल ले जाते समय आदिवासी किसान की मौत हो गई। यहां झोला छाप डॉक्टर ने ना तो घटना की जानकारी पुलिस को दी और ना ही ऐसे संदिग्ध मामलों में उचित इलाज के लिए मरीज को सरकारी जिला अस्पताल भेजने की सलाह दी, जिसके बाद अब परिजन इलाज की लापरवाही का आरोप डॉक्टर पर लगा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही नहीं करता तो किसान की समय रहते शायद बचाया जा सकता था। वहीं देहगांव पुलिस ने परिजनों के बयान लेने के बाद अभी तक उक्त लापरवाह फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उक्त घटना के बाद शिवराज सरकार में आदिवासी ग्रामीण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान को दुश्मन बने हुए हैं, फिर प्रदेश के अन्य इलाकों में हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं पर अब इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया है, मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच कराकर दोषी डॉक्टर साहब की है सर जी, क्योंकि टाइम पे अगर बोल देते कि भोपाल रेफर कर रहे हैं या कहीं भी, तो हम टाइम पे ले जाते। इनने कहा कर बाटले लगाए सफाई करवे के बाद में, कहले घर ले जाओ 2-3 घंटा रखने के बाद में, कहले सुबह ले आना। सुबह ले कर गए तो नॉर्मल थी तबीयत बहुत ज़्यादा, तो सरसोदा पहुँचे वहाँ पे वो ख़त्म हो गए, तो हम वापस ले आए। तो डॉक्टर के पास डिग्री है? डॉक्टर अब्दुल हक। चाहते हो आप डॉक्टर पे कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई बराबर बन गई सर। आपके आदमी भैया की जान चली? हाँ, अगर वो सही टाइम पे हमें बता देते कि तुम भोपाल ले जाओ राजन, तो आज हो सकते बच सकत। क्या नाम है? खिलान सिंह। अभी मेरी आपने जानकारी दी है, हम उसकी जानकारी लेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी सर। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। बाढ़ का पानी आने से राजमार्ग हुआ बंद। बेगम नदी पर डायवर्सन पुल पर आया पानी। गैरतगंज से गडरवारा जाने वाले राजमार्ग 44 हुआ बंद। डायवर्सन मार्ग पर बना हुआ है पूरी तरह क्षतिग्रस्त पुल। डायवर्सन पुल पर पानी आने से कई घरों में भी भराया पानी। पुल निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रही थी सड़क और पुल।
सिलवानी पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। पानी और बाद में पुल पार कर रहे लोगों को वहीं पर रोक दिया गया है। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।